श्रीमन जहां तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के आसन पर बिठाने का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि बहुमत के आधार पर या किसी की कृपा विशेष से नहीं, अपितु देश के अधिकांश भागों में प्रयुक्त होने और सबसे सरल भाषा होने के नाते हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया है। कल श्री एंथनी ने कहा कि संविधान सभा की कांग्रेस संसदीय पार्टी में जब राजभाषा के संबंध में निर्णय हुआ तो केवल एक मत अधिक होने से हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। मैंने संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों से इस बात की जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से भी इस बात की अधिकृत जानकारी ली है, ताकि यह ज्ञात हो कि इस कथन में कहां तक वास्तविकता है। मेरे पीछे संविधान सभा के एक सदस्य श्री सामंत बैठे हुए हैं। मैंने उनसे भी व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में पूछा है, उन्होंने भी यही कहा। संविधान सभा और कांग्रेस संसदीय पार्टी का प्रत्येक सदस्य उसकी पुष्टि करेगा कि कांग्रेस संसदीय पार्टी में अंकों के संबंध में मतदान की स्थिति तो अवश्य आई और एक मत अधिक होने से हिंदी में अंग्रेजी अंक, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा गया, प्रयुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भाषा के प्रश्न पर न तो संविधान सभा में और न ही कांग्रेस संसदीय पार्टी में कभी मतदान की स्थिति आई। संविधान सभा में भी और कांग्रेस पार्टी में भी सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि हिंदी को इस देश की राजभाषा बनाया जाए। इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की असत्य बात कहकर इस सदन को गुमराह करना और जो लोग संविधान सभा की कार्यवाहियों और उस समय के हालात से परिचित नहीं है, उनके सामने अपनी बात की पुष्टि में एक गलत आधार रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों मद्रास में कुछ अंग्रेजी परस्तों का जो एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक महानुभाव ने, जिनका नाम लेकर अपनी जिह्वा को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता हूँ, कहा कि अंग्रेजी भारतीय एकता के लिए भगवान की ओर से दी हुई एक देन है। मैं नहीं समझता कि वह किस तरह का भगवान है जिसने हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक विदेशी भाषा अंग्रेजी दी है। क्या वह भगवान हमारे देश के लोगों के लिए आराध्य हो सकता है?